वहाँ दौरा किया, मुस्लिम लीग को बड़ा मजबूत बनाया। तो आज 5 साल हो गए कि आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत कायम है। अब तो मियाँ साहब इस वक्त तो नहीं है, तो आने वाले इलेक्शन में आपका वहाँ क्या प्रोग्राम होगा पूरे आजाद कश्मीर के हवाले से? जी बिल्कुल, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर के सिलसिले में जो ये हुकूमत कुछ मुझे इससे कुछ साजिश की कुछ खिचड़ी पकने की बू आ रही है, और ये जो अवाम पाकिस्तान के अवाम से खुफिया रख के और खसूसन कश्मीरियों से इस चीज़ को खुफिया रख के चंद लोगों के दरमियान अगर फैसला साजी कोई की जा रही है या कोई खिचड़ी पक रही है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को पता नहीं है, जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फरीक है कश्मीरी, उनको पता नहीं है, पाकिस्तान के अवाम जो इस जिद्दोजहद के साथ कश्मीर के लिए कुर्बानियां भी देते आए हैं, सपोर्ट भी करते आए हैं, उनको पता नहीं है तो फिर किसको पता है? तो अगर ये समझते हैं कि इस किस्म की कोई साजिश करके, कोई जोड़ तोड़ करके ये कोई फैसला कर देंगे, जिस तरह कश्मीर पहले इन्होंने इंडिया की झोली में फेंक दिया, एनेक्स कर दिया उसको, इस तरह ये अगर कोई और काम करने जा रहे हैं जिसके लिए ये राह हमवार कर रहे हैं, तो ये सुन लें कि ऐसा हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। इसमें कश्मीरियों की मर्जी भी शामिल होगी, कोई भी अगर आपने इसका हल देखना है तो उसमें कश्मीरियों की और पाकिस्तानियों की मर्जी भी शामिल होगी, इसमें आप अपने आप कोई फैसला नहीं कर सकते। जहाँ तक आपने कश्मीर के इलेक्शंस की बात की, तो कश्मीर का इलेक्शन बिल्कुल वो हमारा अपना इलेक्शन है। मियाँ साहब इंग्लैंड से बैठ के इन टच हैं पूरी पार्टी के साथ, और हम प्लान कर रहे हैं कि अपनी कैंपेन को भरपूर तरीके से चलाएं। मुस्लिम लीग नून ने 5 साल राजा फारूक हैदर साहब की लीडरशिप में, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में, जिस तरह से आज़ाद कश्मीर में काम हुए हैं, खिदमत हुई है, जिस तरह से ये हुकूमत चलाई है इन्होंने, वो अपनी मिसाल आप है। और इस वक्त कश्मीरियों का जो आज़ाद कश्मीर के जो भी जितने भी अवाम हैं उनका जो ट्रेंड है क्लियरली मुस्लिम लीग नून की तरफ है, और मुस्लिम लीग नून की फतह इंशाअल्लाह ताला यकीनी है। लेकिन हम ज़रूर जाएंगे, मैं जाऊंगी, पार्टी के दीगर सीनियर मेंबरान हैं वो जाएंगे, हम कश्मीरियों के साथ खड़े होंगे, जाके उनके साथ मिल के उनके पास जाके हम उनको अप्रोच भी करेंगे, कैंपेन भी चलाएंगे, और इसमें इंशाअल्लाह आप हमें पीछे नहीं पाएंगे। उनकी तरफ से भी देखे गया तो मरियम नवाज ने भी इस चीज को साबित कर दिया है कि हमारी इलाके ठीक थी और मुस्लिम लीग नहीं चाहती कि ये गवर्नमेंट चाहे, और ये साजिश उन्होंने कोई साजिश का नाम दिया है। असल हकीकत क्या है इंटरव्यू में, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुलाकात कर दे, मेरा जो इंटरव्यू है वो बहुत क्लियर है। मैं ये कह रही थी और आज मैं फिर दोहरा देती हूँ कि मैं ये कह रही थी कि अगर हम पर हो तो हम पूरी तरह इनको एक्सपोज होने का मौका देना चाहते हैं, ताकि ये जो एक ट्रेंड है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि जूते पॉलिश करो और एक पपेट बनो और आके अवाम के सरों पर मुसल्लत हो जाओ, एक आरटीएस का बटन बिठा के वो दबा के और उसके बाद उसको बिठा के और अवाम के वोट चोरी करके मुसल्लत हो जाओ, और जब आप मुसल्लत हो जाओ तो क्योंकि आप कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं आते, क्योंकि आप अहलियत की बुनियाद पर नहीं आते, तो आप फिर मुल्क का वो हशर करते हैं जो इस नाअहल और नालायक हुकूमत ने, जिसके क़यादत इमरान खान कर रहे हैं, वो हाल होता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस लानत का, मैं इस लानत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूँगी, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत बड़ी एक लानत ही मैं कहूँगी कि जिसका वो जिसकी वजह से उनके ऊपर ये मुश्किलात आज आई हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसका हमेशा के लिए खात्मा हो। लेकिन मैंने जो बात की थी वो ये कही थी कि हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये अवाम 5 साल इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाकी रही जहाँ तक प्रोपेगेंडा की बात है, तो जब आपके पास कोई दूसरी बात या अपने डिफेंस में आपके पास जब कोई बात करने के लिए ना हो, तो आप तोड़ मड़ोड़ कर अगर अगले का बयान पेश करें तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। मेरा ख्याल है आपको अपने डिफेंस में अपनी बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरी बातें करें और वो भी गलत। जावेद लतीफ़ साहब की जहाँ तक बात है, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ कि रियासत जो है वो अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करती है, उनके जो राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करती है, उनको सच बोलने पर
गलत को गलत कहने पर, हक को हक कहने पर, हक गोई पर सजाएं, जाली सजाएं नहीं दिया करती। और जावेद लतीफ साहब भी उतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितने मुहिब्बे वतन हम सब हैं, आप सब हैं, हर पाकिस्तानी है। तो जो बात आपको नुकसान पहुंचा रही है, या आप जो बात अगर कोई आईन और कानून की बात कर रहा है और उसकी खिलाफ वर्जी और उसको पाँव के नीचे रोंदने के खिलाफ बात कर रहा है, तो वो तो फिर उसको आप अगर ये कह देंगे गद्दारी के जुमरे में ले आएंगे, तो इस तरह तो फिर बहुत सारी पूरा पाकिस्तान ही गद्दार है, किस किस को सजाएं देंगे आप। तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही बुरा इकदाम है और जितनी जल्दी उनको इंसाफ मिले उतना ही अच्छा है। सवाल क्या है आपका, मैं क्या कमेंट करूँ? एक्चुअली उनको ये यकीन नहीं दिलाया गया, ये इमरान खान ने अपनी टूटती हुई जमात को खुद को यकीन दिलाने की एक तिफल तसल्ली देने की कोशिश की है और उसको रोकने की कोशिश की है कि वो इकदाम ना हो, लेकिन अब वो रुकेगा नहीं। जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आएंगे, आपने देखा कि NA 249 पे आप ही के एक चैनल पे, आई थिंक समा टीवी चैनल ने एक खबर एयर की थी, उसमें कोई आई थिंक डॉक्यूमेंट्री थी या क्या थी, मैंने देखी वो, मैंने ट्वीट भी की कल कि जब ये NA 249 में इलेक्शन कैंपेन के लिए PTI गई तो वहां पर उनको आवाम के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा और उनको वहां से उल्टे पांव भागना पड़ा। तो बात ये नहीं है, NRO इमरान खान किसी और को नहीं दे रहे, वो अपने आप को दे रहे हैं। और जैसे जैसे वक्त करीब आता जाएगा, इलेक्शंस करीब आते जाएंगे, तो इनको पता चलेगा कि इनकी नाअहली और नालायकी, तारीखी नाअहली और नालायकी, और जो आवाम के ऊपर इन्होंने मजालिम ढाए हैं महंगाई की सूरत में, लाकानूनियत की सूरत में, और हर महाज पे जो ये फेल हुए, उसका खुमियाजा तो अब इनको भुगतना पड़ेगा। और उसका जो बोझ है उनके MNAs और MPAs नहीं उठा सकते, उन्होंने अपने हलकों में वापस जाना है। उनको ये पता है कि आवाम उनके गिरेबान पकड़ेंगे और उनको ये भी पता है कि हम PTI की टिकट से अब अपना अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये NRO इमरान खान अपने आप को दे रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे। अब जो है कश्मीर में जो है PTI की तमाम तो जो है खरीदो फरोख का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, बेस्टर हिंदुस्तान महमूद का नाम लिया, किसी और का नाम लिया जाए, कोई मामले नहीं समझा में, तो कैसे बचेंगे, कैसे इन चीजों को अफसोस से जैसे डस्का में किया। और मैं ये समझती हूँ कि डस्का के अंदर जिस तरह अवाम ने पूरे कुव्वत के साथ, जुरत के साथ वोट चोरों को ना सिर्फ उनके हाथों को रोका है बल्कि उनको रंगे हाथों पकड़ा है और उनको सजा दिलवाई है, उनके हाथों से अपनी सीट छीनी है, तो मैं ये कह देना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून अब वो पुरानी जमात नहीं रही जो शराफत से मार खा लेती थी और शराफत की ही सियासत करती थी। अब मुस्लिम लीग नून मुकाबला करती है, करेगी। अगर गिलगित बल्तिस्तान और 2018 इलेक्शंस का रिपीट अगर आज़ाद कश्मीर में किया गया तो मुस्लिम लीग नून, उसका वर्कर, उसका वोटर और अवाम उसकी भरपूर मुजाहमत करेंगे। और मैं ये समझती हूँ कि राजा फारूक हैदर साहब जो हैं वो एक बहुत दबंग, दलेर और हग्गो इंसान हैं। अगर उनके मैंडेट पे, मुस्लिम लीग नून के मैंडेट पे किसी ने डाका डालने की कोशिश की तो ये निगलना उनके लिए आसान नहीं होगा। मैं एक बात बढ़ा दूं, आजाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली जो है ना, वो फिर मोदी के और हिंदुस्तान के बयानी की तायद में होगा, ये मैं साफ बता दूं। बिल्कुल ये हिंदुस्तान को फायदा देने की बात होगी और पाकिस्तान आजाद कश्मीर के लोगों को या माजरीन मुकीम पाकिस्तान को पाकिस्तान से बदजन करने की कोशिश होगी। और ये एक तो सवाल पैदा, हम ये होने नहीं देंगे, जो मर्जी कर ले। लेकिन अगर किसी ने ये कि इस तरह की बात की तो ये फिर मोदी के फायदे में हो जाएगा, हिंदुस्तान के फायदे में होगा। पाकिस्तान का जितनी भी सरमाकारी है कश्मीर के अंदर जो की है, जो कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान के अवाम ने दी हैं, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के इदारों ने दी हैं, फौज ने दी हैं, ये सारी फिर खाक में मिल जाएंगी। ये मेरी बात याद। अच्छा मैडम, मैं एक बात और बहुत ज़रूरी है वो मैं करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, स्टूडेंट्स हैं जो अब अपने ए लेवल्स और ओ लेवल्स के कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, ए लेवल्स के तो शुरू हो चुके हैं,
उनको बारहा रिमाइंडर्स के बावजूद, बारहा उनको ये बता अलर्ट करने के बावजूद कि खतरा है बच्चों की जानों को, बाकी मुल्कों ने, स्पेशली जो बाकी मुल्क है रीजन में, उन्होंने अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनको डिले किया है, बल्कि कुछ ने तो जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स हैं ग्रेड्स की, उनके ऊपर बेस करके रिजल्ट्स जो हैं वो भेजे हैं। तो पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया, पाकिस्तान की इस जाली हुकूमत ने ये फैसला क्यों किया कि आवाम को और बच्चों को इस तरह से एक्सपोज कर दिया। और अव्वल तो पूरे पाकिस्तान में ये हुकूमत कोरोना को रोकने में नाकाम हुई है, एसओपीज़ को इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हुई है, आवाम की हिफाजत करने में नाकाम हुई है, हर चीज़ में बुरी तरह नाकाम हुई है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो या वो हस्पतालों में अरेंजमेंट्स हों या वो आवाम के अंदर अवेयरनेस रेज करने की या एसओपीज़ इम्प्लीमेंट कराने की बात हुई। लेकिन यहाँ तो आवाम के मुस्तकबिल का, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, उनकी जिंदगियों का सवाल है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। आपने उनको डेंजरसली एक्सपोज कर दिया, और ए लेवल्स का पहला इम्तहान जो हुआ है उसमें आपने देखा है कि किस तरह वहाँ पर कोई सिक्योरिटी सेफ्टी अरेंजमेंट्स नहीं थे, कोई एसओपीज़ फॉलो नहीं कर रहे थे, और अगर एक भी बच्चे को अगर कोरोना हुआ, उसकी ज़िंदगी को या उसकी सेहत को कोई ख़तरा लाहक हुआ, तो मैं पेरेंट्स को ये कहूँगी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराई जाए। और मुझे ये पता चला है कि वहाँ पर जो नाकिस इंतज़ामात की वजह से बच्चों को की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला गया, और कुछ बच्चों को वहाँ पर कोरोना हुआ है, मैंने ये सुना है। तो मैं ये इमरान खान से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके अगर बेटे हों, मैं शफकत महमूद साहब से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी औलाद हो तो आप इसी तरह उनको इन्हीं सर्कमस्टांसिस पे, इन्हीं सराउंडिंग्स पे एक्सपोज करेंगे, इसी तरह उनकी जानों को, उनकी सेहत को खतरे में डालेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैं ये कहती हूँ, अब भी वक्त है इन इम्तहानात को डिले करें जब तक हालात बेहतर ना हो जाए। आखिरी सवाल की और गुमनाम और अंधे इल्जाम लगाए जाते हैं कि फलां अपने जोर में गिरा, फलां का कश्मीर का बयान गलत था, और फिर ये वो गुमनाम बयान है जिन्हें ओन भी नहीं किया जाता, अगर ओन करें तो फिर इसका जवाब भी आता है, इस बारे में कुछ फरमाइए। जिनको मुझे नहीं पता कि किसके बारे में ये बात कही गई है, लेकिन दो चीज़ें, एक तो आपको एहतियात बरतनी चाहिए, आप इस कुर्सी पर, आप इस इदारे के सरबराह हैं जहां पर आपको कहीं भी पॉलिटिक्स में आपकी इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आनी चाहिए, आपको अपनी जो दायरा कार है वो अपने आइनी दायरा कार तक महदूद रखना चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ का। इससे अगर आप बाहर निकलेंगे तो जाहिर है फिर आवाज़ तो उठेगी। और पता नहीं किसके बारे में ये बात की गई है कि वो अपने ज़ोर से खुद ही गिर गए। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर ये मियाँ साहब की तरफ इशारा है तो मियाँ साहब तो अल्लाह ताला के फजल करम से आपने बहुत कोशिश उनको की गिराने की, कौन सा दुनिया का इंतकामी हरबा और कार्रवाई है जो आपने उनके ऊपर नहीं इस्तेमाल की? वो तो आज भी अल्लाह ताला के फजल से पूरे कद के साथ, पूरी आबोताब के साथ, पूरी जोर के साथ, पूरी कुवत के साथ खड़े हैं, और उनको जो गिराने वाले हैं उनका संभलना मुश्किल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बस थैंक यू। एक और बात, मैं इस्लामाबाद आई हूँ, यहाँ पर अफसार आलम साहब पर हमला किया गया, उनको ब्रॉड डे लाइट में जिस तरह पार्क में वॉक करते हुए सामने से आके गोली मारी गई, मैं इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करती हूँ। और अगर वो आप किसी भी आपकी पॉलिसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, जो कि मैं समझती हूँ हक गोई है, उन्होंने गलत को गलत कहा, क्योंकि वो जानते हैं, वो जब चेयरमैन पेमरा रहे हैं तो उनको ये पता है कि किस तरह से मामलात को चलाया जाता है, अगर वो उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, अगर वो गलतियों की निशानदेही करते हैं, तो उसको साइलेंस करने का, उसको खामोश करने का, डिसेंट की आवाज़ को, ये तरीका नहीं है। ये किसी भी जमहूरी मुल्क में इस किस्म की जो चीज़ है वो बहुत ही एक गलत रिवायत है जिसको ख़त्म करना चाहिए। और ये लोगों की जानों को पर हमला करना, उनको खामोश कराने की कोशिश करना, किसी को जेल में डालकर, किसी को गोली मारकर,
ये चीज़ जो है वो ख़त्म होनी चाहिए और ये बहुत बुरा वाकया है, मैं इसकी जितनी भी मजम्मत करूँ कम है। क्या है जी, आप भी पूछ लो, चले पूछ लें। ओहो भाई पूछ, मैं खड़ी हूं ना, पूछें। शॉर्ट क्वेश्चन है, आर्मी चीफ ने इसी हफ्ते सहाफियों से मुलाकात की और कहा कि अपोजिशन इल्जाम लगा रही है कि मौजूदा हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट ने कश्मीर भेज दिया, हालांकि शायद खाकान अब्बासी का नाम कोट करके वो कह रहे हैं कि उनने इजाजत दी थी भारत से बातचीत करने की, इस पर आपका क्या पार्टी का मौकफ है? दूसरा वजीर आजम, एक सेकेंड, आप भी दे दें, लेकिन भारत से मैं एक जुमला बस कह दूं, उसके बाद ही अपनी बात खुद करते हैं कि भारत से बातचीत करने का ये मतलब नहीं है कि आप कश्मीर का सौदा करके वापस आ जाएं, और चुपचाप आप क्या डील उनसे कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में बैठ के, क्या बातचीत हो रही है कश्मीर के बारे में और दोस्ती के लिए क्या लिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, वो आवाम के सामने बात आनी चाहिए। अब आप अपना बता दें प्लीज। बात ये है, कश्मीर का मसला कोई खेल नहीं है, जो बात ऑफ द रिकॉर्ड है ऑफ द रिकॉर्ड है, जो बात रिकॉर्ड पे होगी उसका जवाब मिल जाएगा।